और देखिए राजधानी दिल्ली का लाल किला बहुत ही प्रसिद्ध और ऐतिहासिक किला है, जहाँ पर आज़ादी दिवस के दिन माननीय प्रधानमंत्री इसी जगह से भाषण देते हैं। ये वही जगह है और संबोधन होता है जनता के नाम पर। वहीं पर सटा हुआ है एक बालाजी का मंदिर, बहुत ही प्राचीन मंदिर, बहुत ही भव्य और दिव्य। और श्री बालाजी का बहुत ही प्राचीन मंदिर जहाँ का आज दौरा कर रहा हूँ। स्वामी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। महाराज जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम मैन श्री जगदीदास जी महाराज। तो महाराज जी आप कितने सालों से यहाँ पर रहते हैं? मैं अभी एक वर्ष से अधिक हो चुका है। अच्छा ये बहुत ही फेमस बालाजी का बहुत प्राचीन मंदिर है, कुछ इसका इतिहास बताएंगे महाराज? हाँ, ये लाल किले से पूर्व का है। अच्छा, ये हुआ माधव दास की स्थान हुआ। बताया जा रहा जब लाल किला जब शायद बनाया जा रहा था उसके दौरान ये बना है लगभग, ऐसा है क्या? उससे पहले का है, इतिहास ने इसका कोई पुरतन बता ही नहीं पा रहा है, पहले से बना हुआ है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पुरातत्व विभाग वाले कभी आपको तंग नहीं करते? लाल किला जैसे ऐतिहासिक जगह बहुत भीड़ भड़ाका होता है, तो कभी ऐसे भी देखने को मिलता है क्या? नहीं, ऐसा खास कोई बात नहीं। तो इसका निर्माण तो हो नहीं रखा है क्या? सरकार इसके लिए कोई फंड वगैरह नहीं मिलता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो ऐसा प्रयास क्यों नहीं किया जाता, क्यों? बहुत ऐतिहासिक जगह पर है ये तो सरकार को सोचना चाहिए ना। समिति वगैरह है आपकी बनी हुई यहाँ पर? इसमें सोचना चाहिए। समिति है? कोई समिति नहीं है, बालाजी महाराज स्वयं ही आकाश वृत्ति के रूप में। चले, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। देखिए बिल्कुल लाल किला है, मुश्किल से 10 मीटर की दूरी पर है ये लाल किला, जहाँ पर ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है। और बहुत ही विडम्बना है कि ये मंदिर के हालात बहुत ही खस्ते हैं। मंदिर बहुत पुराना बड़ा हुआ है, बहुत लग रहा मानो बताया जा रहा है इसका इतिहास। ये मंदिर तब का है जब शायद ये लाल किला बना था, उससे भी पुराना। और शायद कहीं ना कहीं इस तरीके से मंदिर की ओर ध्यान नहीं दिया जाता। कहाँ है पेच की कमी? समिति नहीं है या सरकार नहीं चाहती है? कई ऐसे प्राचीन मंदिर देखने को मिलते हैं देश का जब हम दौरा करते हैं, जहाँ पर शायद कोई प्रयास शायद लगता है मानो होते ही नहीं है, या शायद प्रशासन चाहता नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके महाराज जी।